अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन ऐप बता रहा हूँ जो न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद और मुफीद साबित हो सकता है। वो है इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी। यह एक बेहतरीन ऐप है। आप मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, IE डिक्शनरी जिसके ऊपर लिखा हुआ था, तो ये हमारे पास डिक्शनरी ओपन हो गई है। तो अभी इसमें इसकी खासियतें बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं इसमें कोई भी वर्ड ढूंढता हूँ तो उर्दू वाले वर्ड हों या इंग्लिश के, तो आसानी से निकल आए, आर से स्टार्ट होने वाले ही। और जैसे आप आर पे क्लिक करोगे तो सबको तरीका आता होगा। तो जो भी यहाँ पर ढूँढें तो बड़े आसानी के साथ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वर्ड नहीं है इसमें, तो जैसे कि कोई वर्ड है जैसे कि कामरान है, तो वर्ड इसमें नहीं निकल आया, लेकिन इसमें आप जैसे ही वो करेंगे, आप कहीं साइन बोर्ड पे कहीं पे कोई वर्ड देख लें और उसकी प्रोनाउंसिएशन ना कर सके, इसमें आप इंटर कर लें कैमरन तो उसको आसानी से ये आपको प्रोनाउंसिएशन करके, चाहे इसके मायने हो कि ना हो। कैमरन तो बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। अगर उर्दू इनटू इंग्लिश में, तो यहाँ पे साइड पे क्लिक कर लें तो ये अभी उर्दू में चला गया। तो जैसे आप लोग इसके ऊपर ओके करेंगे तो अभी उर्दू में ये डिक्शनरी उर्दू में चलेगा। आपके कीबोर्ड में अगर उर्दू दस्तियाब है तो वहाँ पे जाके आप आसानी के साथ भी कोई भी वर्ड ढूंढ सकते। जैसे मैं अभी लगत मायने लगत ढूंढ रहा हूँ कि लगत को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो मेरे सामने बहुत सारे मायने आ गए हैं। तो वैसे तो बहुत सारे अल्फाज इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होते हैं, तो डिक्शनरी पे मैं क्लिक करूँगा। डिक्शनरी अच्छा, इसमें एक बेहतरीन चीज़ है कि आप इसको, मैं अपने बच्चों के लिए इंस्टॉल कर लें, इसमें गेम्स ऑप्शन है। यहाँ पे गेम्स, होम की, बुक मार्क, हिस्ट्री और गेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ गेम्स मेन्यू खुल जाएगा। तो शुरू पे पास वालों पे आपने क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अभी जो मतलब है, ये गेम्स में वोकैबुलरी में इजाफा होगा। नोज़ब्लीड नोज़ब्लीड, यानी नोज़ब्लीड के मायने क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी हो गई नोज़ब्लीड है। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है, नाक से खून बहना, हमारा करेक्ट हो गया। अच्छा, इसके ऊपर जब हम बुक मार्क पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बुक मार्क में चला जाएगा। अभी हम लोग दोबारा वापस जाते हैं जिसमें टोटल 20 होते हैं। जैसे ही नेक्स्ट 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 करेंगे तो आप डेली बेस पे 10 भी सीख सकते हो, 20 भी सीख सकते हो, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। तो बुक मार्क पर मैंने क्लिक कर लिया था, अगर नहीं किया तो वापस वहाँ पर सेव नहीं होगा। जैसे ही हम लोग बुक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी मनफी साइन आ गया, वापस हम होम की पे चले जाएंगे। और यहाँ पे एक होम की है, उसके साथ जो आइकन बना हुआ है अलार्म टाइप की, घड़ी टाइप और होम की के सेंटर में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हिस्ट्री आ जाएगी। बुक मार्क इंग्लिश न्यूएस्ट फर्स्ट वन। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमने बुक मार्क किया था, इससे पहले भी मैंने कुछ सेव किए हुए, जो जो वर्ड्स मैंने देखे हैं सारे इसमें बुक मार्क किए थे, और आसानी पैदा करने के लिए किस्मत बाद में भी इसको मैं यानी सीख सकता हूँ। तो नोज़ब्लीड तो ये आ गया। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आ जाएंगे, डेफिनेशन भी इसकी आ जाएगी। तो एक नोज़ब्लीड बेहतरीन डिक्शनरी है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। शुक्रिया।